Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की एक और आने वाली फिल्म के बारे में. Well, friends, ये फिल्म बहुत ही बहुचर्चित है, स्पेशली जनवरी के बाद बहुत ही हॉट टॉपिक था ये फिल्म डिस्कशन का. लास्ट एपिसोड में मैंने आपको अक्षय कुमार की ऑलमोस्ट 9 फिल्में और एक वेब सीरीज के OTT राइट्स के बारे में जानकारी लाकर दी थी. एंड आज गाइज, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट OMG 2. यस फ्रेंड्स, OMG 2 काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है. थोड़ा पीछे जाते हैं रिवाइंड में कि एग्जैक्टली ये सब कहां से शुरू हुआ था एंड उस एपिसोड में मैंने क्या क्या बोला था. 24 जनवरी 2021 को मैंने एक एपिसोड बनाया था जहां मैंने कहा था किस तरह से अप्रैल के महीने में 2021 के अक्षय कुमार एंड परेश रावल विल स्टार्ट शूटिंग फॉर OMG 2. ये खबर मीडिया में आई थी. उसके बाद मैं इस पे वीडियो बनाने वाला था एंड जैसे वीडियो बनाने वाला था वहां पर परेश रावल जी ने खुद ट्वीट करके उस आर्टिकल को टैग करते हुए कहा था, दिस इज फेक न्यूज, आई एम नॉट डूइंग OMG 2. उस वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां एक्टर्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट द फिल्म एंड गाइज यहां पर दे हैव द डिस्कशंस ऑन. यानी कि बहुत पहले भी कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने कहा, अरे ऐसी कोई पिक्चर मैं ये पिक्चर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वही वो पिक्चर करते हैं. एंड तभी मैंने आपको कहा था कि OMG 2 के जो टॉक्स है वो वाकई में ऑन है, ये सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं है, वाकई में फिल्म के बारे में यहाँ पर प्रिपरेशन की जा रही है. एंड गाइस, फाइनली नाउ इट इज ऑफिशियली कंफर्म. पिछले 2 दिनों से मैं लगातार कन्फर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे मंडे हुआ द कन्फर्मेशन हैज अराइव्ड, यस इट्स ऑफिशियल गाइज, OMG 2 इज हैपनिंग, साइंड सील्ड एंड डन, एंड इट इज गोना स्टार्ट विद BP फिल्म के 2 जोड़ीदारों के साथ. गर्लफ्रेंड्स, बच्चन पांडे आप जब देखने जाओगे तब आपको एक फिल्म देखने मिलेगी जिसका नाम है BP. अब वो BP फिल्म के अंदर एक और BP फिल्म बनेगी. अब वहां पर गाइज, यहाँ पर पंकज त्रिपाठी एंड अक्षय कुमार की जो जोड़ी है इट विल बी द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. बहुत कम लोग यहाँ पर जानते हैं कि पंकज त्रिपाठी शॉट टू फेम वॉज एज द चौकीदार इन फुकरे, तो बहुत ही मजेदार किरदार था. उनको बहुत ही सीरियस रोल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का हाथ कॉमेडी में कोई ज्यादा लोग पकड़ नहीं सकते. ही सुपर्ब इन कॉमेडी. एंड इस फिल्म में द कॉमन मैन विल बी प्लेड बाय नन देन पंकज त्रिपाठी. देखिएगा, इस परेश रावल जी की जगह ना कोई ले सकता है, ना कोई ले पाया है, ना कोई कभी ले सकेगा. ही इज इररिप्लेसेबल. यस, परेश रावल जी फिल्म में नहीं है, बहुत दुख हो रहा है. गाइस, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ वेटरन. लेकिन गाइस, अब वी कैनॉट हेल्प इट, यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा जो मेकर्स के तरफ से दोनों के बीच में ट्यूनिंग नहीं जमी हो. एग्जैक्ट कारण क्या है ये मैंने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन गाइज, इन दिस फिल्म देर इज नो परेश रावल. लास्ट टाइम परेश रावल ने डिनाई किया था कि मैं इस फिल्म में नहीं रहूंगा. वो न्यूज में लिखा था कि परेश रावल जी फिल्म में होंगे, वो न्यूज को साइड में रखते हैं. फ्रेश न्यूज ये है कि पंकज त्रिपाठी एंड अक्षय कुमार, प्रोड्यूसर अक्षय कुमार जो इस फिल्म के हैं, अश्विन वर्दे के साथ ये फिल्म बनाने वाले हैं. अब गाइज, राम सेतु की शूटिंग 20 तारीख को शुरू होगी. इंटरनेट पे पहली बार मैंने बताया था आप सभी लोगों को, एंड गाइज वही होने वाला है. 20 या 21 से राम सेतु इज गोइंग ऑन फ्लोर्स. अब यहाँ पर सब इफ्स एंड बट्स है, लेकिन अक्षय कुमार 64 डेज, यस फ्रेंड्स, हिज एग्जैक्ट डायरी ऑफ 64 डेज हैज बीन गिवन टू OMG 2, एंड अक्टूबर के फर्स्ट वीक में OMG 2 विल गो ऑन फ्लोर्स. इट विल बी शॉट ऑन लाइव लोकेशन इन मुंबई. इट विल बी शॉट ऑन सेट्स, 2 स्टूडियोज है, ND स्टूडियोज एंड दूसरा है फिल्म सिटी जहां पर ये फिल्म शूट होने वाली. शायद रिलायंस में, बिग रिलायंस स्टूडियोज में भी फिल्म शूट हो सकती है. जितने भी इसके मेकर्स है, आऊंगा डायरेक्टर पे, थोड़ा रुकिए, जितने भी लोग हैं जो इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग में है, इसकी यू नो चीजें जो है डेवलपमेंट में, यानी कि प्री प्रोडक्शन में है, एक टीम जो है बहुत जल्दी इसकी रेकी के लिए भी जाएगी. एंड द म्यूजिक डायरेक्टर, इसकी न्यूज में आपको जल्दी ब्रेक करने वाला हूं. OMG 2 की फैंटास्टिक, अक्षय कुमार की हर पिक्चर की तरह इसका म्यूजिक भी धमाकेदार होने वाला है. एंड गाइज, इसके प्रोड्यूसर जो है इस फिल्म को वन शॉट 64 डेज के स्केड्यूल में शूट करने वाले हैं. एंड होल्ड योर ब्रेथ, अभी अभी जिनकी शादी हुई है, जिन्होंने शादी करके जवान युवाओं के दिलों की धड़कने तोड़ दी है, बेबी यू ऑफ बाला यानी के नन देन यामी गौतम. यस फ्रेंड्स, यामी गौतम इज गोइंग टू पेयर अप विद अक्षय कुमार फॉर दिस फिल्म OMG 2. यस, आदित्य धर जो के डायरेक्टर थे हाउस द जोश, सर्जिकल स्ट्राइक, उनके साथ यामी गौतम का अभी ही शुभ विवाह हुआ है. हम उनको वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हैं. भैया बहुत दुखी हुआ आपकी शादी देखकर, आए ऐसा हम नहीं बाकी लोग कह रहे हैं. तो गाइज, यहां पर यामी गौतम, अक्षय कुमार एंड पंकज त्रिपाठी OMG 2 में होने वाले हैं. इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अमित राय. बट अमित राय स्टोरी एंड अक्षय कुमार स्टोरी गोज अ रियली लॉन्ग बैक.
आपको सभी लोगों को पता है किस तरह से अक्षय कुमार को अभी धुन चढ़ी है, यानी धुन बहुत अच्छी है एंड आई थिंक जितने भी बड़े एक्टर्स हैं ये धुन अगर पकड़ ले तो बहुत अच्छा होगा। अक्षय कुमार इज वर्किंग विद न्यू डायरेक्टर्स, चाहे वो मिशन मंगल हो, चाहे वो गुड न्यूज हो, चाहे वो केसरी हो, ही इज वर्किंग विद पीपल हु हैव फर्स्ट टाइमर्स, यू नो, हु हैव डायरेक्टेड नो बिग फिल्म्स बिफोर, एंड ये काफी अच्छा है क्योंकि बड़ा स्टार एक अच्छे डायरेक्टर का जब काम करता है ना तब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन गाइस अमित राय इज अ टैलेंटेड मैन, ही इज मेड रोड टू संगम एंड टिंग्या, माझी फेवरेट फिल्म है मराठी मध्ये, टिंग्या पण हे फिल्म डायरेक्ट केला आहे तिने। एंड गाइज यहां पर अब सभी लोगों को पैडमैन तो पता होगा, लेकिन अमित राय ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है आईपैड। यस फ्रेंड्स, दोनों स्टोरीज जो है वो अरुणाचलम मुरुगनाथम, जो कि इंडिया फर्स्ट चीपेस्ट सैनिटरी नैपकिन बनाई थी, जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था, इन्होंने उसी लाइंस पर 2010 में, पैडमैन तो अभी अभी आई थी, ये जो व्यक्ति है इन्होंने 2010 में इस फिल्म को रजिस्टर किया था। एंड गाइज ये उस फिल्म से लेकर तब से अक्षय कुमार के कांटेक्ट में थे। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने पैडमैन के दौरान वादा किया था कि वो इनके साथ एक फिल्म बनाएंगे, उस पर मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पर कंफर्मेशन है कि अमित राय ने ही इस फिल्म का पूरा स्केचिंग, इसकी स्टोरी एंड जो आइडिया है इस बार OMG 2 का, ये सिर्फ और सिर्फ नेमसेक के लिए नहीं, यानी कि बस नाम के लिए बना दिया। इसलिए गाइज एग्जैक्टली अब 10 सालों के बाद, यानी कि पूरे एक डेकेड के बाद ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है। एंड अमित राय हैज क्रैक फुल आइडिया, पूरा आइडिया स्क्रिप्ट पूरा का पूरा अमित राय का रहने वाला है। एंड अक्षय कुमार एंड अश्विन वर्दे हैव अग्रीड टू कम बोर्ड एज प्रोड्यूसर, अक्षय कुमार हैज कम ऑन बोर्ड एज एन एक्टर। ओके गाइज, सो दिस इज ऑफिशियल OMG 2। अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाली है टीम की तरफ से। तो अक्षय कुमार ने एक और फिल्म अपने नाम पे कर ली है, 10 कदम असली अक्षय कुमार खेल रहा है, 10 पिक्चरें लेके, 10 क्या बहुत पिक्चरें हैं और जिसपे मैं ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले दिनों में आई गेट एक्सक्लूसिव न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। कौन सी फिल्म है वाकई में अक्षय कुमार ने पेपर पे हाँ बोली है एंड मुंडी हिला के हाँ बोली है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल OMG 2, क्या कितने एक्साइटेड हो आप OMG 2 के लिए, क्या अफसोस है परेश जी नहीं है इस फिल्म में, क्या लगता है ये फिल्म पिछली तरह फिल्मों की तरह कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, बताइए कमेंट सेक्शन में। स्टे कूल मैन।